बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं DSR फॉर यू से दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके साथ पिछले चार दिनों के साथ बकवास न्यूज पोस्ट कर रहे हैं, पेपर की क्लिपिंग कहीं किसी के द्वारा बोला गया कोई भी बयान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि 9वीं 11वीं को ओपन बुक एग्जाम होगा और उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, बकवास वीडियो बना करके फालतू की वो TRP बटोरने का प्रयास कर रहे थे। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिखित आदेश जो कि सरकार के द्वारा जारी कर दिया है वो लेकर के हाजिर हूँ। देखेंगे आप ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2021 को आप लोगों को बच्चों जैसे पता हो कि आज मीटिंग बैठी थी भोपाल में शिक्षा आयुक्त और समस्त जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के जितने थे उनके मध्य में और उसमें ये डिसीजन लिया गया है। देखें आप इसी डिसीजन क्रमांक क्या है। पहला नंबर लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं के दो विकल्प रखे गए हैं। बच्चों आप लोगों को मैं स्पष्ट तौर पर यह समझा दूं कि इसमें क्या है, इस न्यूज क्लिपिंग में पूरी बात आप लोगों को स्पष्ट में बता देना चाहता हूं। दो ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ने। पहला ऑप्शन ये रखा गया है जिसमें ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और दूसरा ऑप्शन वो रखा गया है जिसमें कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र स्कूल से क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे और वो घर बैठ करके अपने क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे और फिर विद्यालय में आकर के जमा करेंगे, मतलब ओपन बुक एग्जाम। तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन एग्जाम का, दूसरा है ओपन बुक एग्जाम का। तो ऑनलाइन एग्जाम का जो ऑप्शन है सरकार ने वो प्राइवेट स्कूल के लिए छोड़ दिया है। प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से या तो ओपन बुक एग्जाम ले सकते या ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को केवल और केवल ओपन बुक एग्जाम ही दिया जाएगा। 9वीं 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसके संदर्भ में ये आदेश है। इसी के साथ जो 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड एग्जाम है बच्चों, इसके लिए भी सरकार ने यही दोनों ऑप्शन रखे हैं कि 10वीं और 12वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम है बच्चों वो भी सरकार दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। चाहे तो प्राइवेट स्कूल वाले के लिए दो ऑप्शन है, ऑनलाइन एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का केवल और केवल ओपन बुक एग्जाम होगा। तो 9वीं 11वीं के बच्चों को थोड़ी सी खुश वाली खबर है कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है ये कि आप लोगों के ओपन बुक एग्जाम होंगे। DSR फॉर यू आप लोगों के लिए सफलता की गारंटी है। देख लें आप बच्चों हमारे द्वारा जो भी न्यूज दी जाती है फेक न्यूज नहीं होती, हम साक्षात प्रमाण के साथ आपके सामने कोई भी खबर रखते हैं। बच्चों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा ओपन बुक एग्जाम हम आपको सॉल्व कराएंगे A to Z क्वेश्चन के साथ में। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलेगा। बच्चों अगर आप अभी भी नहीं भरोसा है तो हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, हमने रिवीजन टेस्ट से लेकर के आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे अभी उसमें भी हमने आपकी पूरी मदद की थी। तो बच्चों भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम जो भी जानकारी देते सही जानकारी देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अब आप लोगों के एग्जाम के साथ ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और DSR फॉर यू को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।